के कारण वो चुनाव हारे हैं। अगर नीतीश कुमार जी मैदान में उतर जाते हैं तो शायद चुनाव जीत जाते हैं। नहीं एमआई को मैनेज करते तो साहबुद्दीन जी के परिवार हीना शाह जी को मैनेज कर लेते हैं। और मुजफ्फरपुर में चुनाव होना है 17 तारीख को वोटिंग गिरना कॉम्बिनेशन लास्ट है और 6 तारीख को वोटिंग गिरना 8 तारीख को रिजल्ट देना है। उस चुनाव में भी हम लड़ेंगे, जीतने के लिए लड़ेंगे, लेकिन मकसद यही रहेगा कि भाजपा किसी भी हालत में हारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके स्टार शिवम। कुडनी उपचुनाव को लेकर आज वीआईपी सुप्रीमो और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के सरकारी आवास पर पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक बड़ी बैठक हुई। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव हुए थे और नतीजे अब सामने निकल कर आ चुके हैं और गोपालगंज में महागठबंधन की हार की वजह भी मुकेश सहनी बता रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, पहले आप वो सुने। अपनी ताकत का एहसास कराया जिसके कारण 11 सीट एक एमएनसी के साथ गठबंधन किया भारतीय जनता पार्टी ने और 2022 में हम लोगों ने 30,000 वोट पाया, उससे भाजपा आज डर के हमारे साथ पीछे पीछे घूम रहे हैं। अभी दो जगह चुनाव हुआ, तैयारी हमारे दोनों जगह था, लेकिन छठ कृपा वाली था। फिर मेरा उद्देश्य था कि कहीं से वोट काटने और लड़ने से अच्छा उनको डायरेक्ट मदद कर ले। हम लोगों ने मदद किया और उसका परिणाम भी हुआ कि आज महानगर एक जगह जीता और दूसरी जगह 38,000 वोट को 2,000 मिला दी। थोड़ा महागठबंधन का अपना रणनीति के कारण वो चुनाव हारे हैं। अगर नीतीश कुमार जी मैदान में उतर जाते तो शायद चुनाव जीत जाते हैं। एमआई को मैनेज कर लेते तो भी चुनाव जीत जाते। नहीं एमआई को मैनेज करते तो साहबुद्दीन जी के परिवार हीना शाह जी को मैनेज कर लेते कि वो नाराज है, उनका क्षेत्र है वो, लेकिन उन्होंने उनको मनाने का कोशिश नहीं की, इसके कारण वो चुनाव हारे। लेकिन भाजपा को हर हाल में उनको लगता है कि चुनाव हार गए, उनकी जीत नहीं है। चुनाव के वोटिंग के रोज उन्होंने मीडिया में चला दिए कि उनका सदस्यता समाप्त हो गया, तो जितनी उनकी शक्ति लगाना था पूरे राज्य से नेता उतार दिए, क्योंकि दो जगह चुनाव था तो पूरे राज्य के नेता उतार दिए भाजपा ने। वो क्षेत्र में जितना हमने कहा था हमेशा कहते हैं कि जितना किसी क्षेत्र में कुत्ता नहीं होता उससे ज्यादा भाजपा में नेता रहता है, तो इस तरीके से वो काम कर रहे थे। तो खैर कोई बात नहीं, महागठबंधन मजबूती से जीता है, भाजपा आज आपके पार्टी के सामने में झुक चुका है। यहाँ पे भी बहुत वो अपने अनुकूल कोशिश किए कि हम उनके साथ आ जाए, उनके पास मांगे, उनके साथ काम करें, लेकिन मेरा एजेंडा साफ है कि सबसे पहले मेरा जो नुकसान थी उसका भरपाई करें, जो हमसे वादा किया आरक्षण आपको वो आरक्षण पे सही निर्णय लें और फिर आगे की बात होगा। तो और याद है तो 2023 में दिसंबर में हम गठबंधन करेंगे, उड़ना किसी से नहीं करेंगे, संगठन मजबूत कर रहे हैं। आज मुजफ्फरपुर में महावीर जी के नेतृत्व में जिला कमेटी प्रखंड कमेटी में मजबूती से काम हो रहा है, उसी तरीके से पूरे बिहार में काम हो रहा है, हर प्रखंड में काम हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी काम हो रहा है, झारखंड में भी काम हो रहा है और हम लोग अभी मार्च तक पूरा टारगेट रखे 5 महीना हमारे पास है कि हम लोग प्रखंड और सब में सारे जगह कमेटी कम्प्लीट कर लें और उसके बाद हम लोग बूथ पे उतरेंगे। तो कुल मिला के अपनी ताकत है और मुजफ्फरपुर में चुनाव होना है 17 तारीख को वोटिंग गिरना कॉम्बिनेशन लास्ट है और 6 तारीख को वोटिंग गिरना 8 तारीख को रिजल्ट देना है, 5 तारीख को वोटिंग होना है। और हम लोग अभी आप लोग से राय विचार लेने के लिए आए हैं कि हमारा लड़ाई जो है वो अपने आप को जीतने के लिए है और उस जीत में कभी कभी क्या होता है, दुश्मन जब हारता है तो भी आपकी जीत होता है। आपने देखा होगा कि गोदाम में हमने मिठाई बांटा, क्योंकि भले हम हारे नहीं लेकिन हम दुश्मन को हारा है। आज भी बिहार में जो जगह चुनाव हो रहा है भले हम जीते नहीं है लेकिन भाजपा दोनों जगह वो हार चुका है, तो इसलिए इस चुनाव में भी हम लड़ेंगे, जीतने के लिए लड़ेंगे, लेकिन मकसद यही रहेगा कि भाजपा किसी भी हालत में हारे, क्योंकि छल कपट चीजें वही कर रहे हैं
आज किसान को आरक्षण देने का समय आएगा तो केंद्र सरकार को भी देना है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो हम एक रणनीति के तहत करेंगे। बहुत सारे चीजें बात हो रहा है, महागठबंधन में भी लोग कंफर्टेबल है, अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं, फिर एनडीए वाला भी अपने तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन बहुत सारे चीज है जो खुले मंच पे नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन चुनाव लड़ना है और इसके लिए तैयारी कर रहे हैं और आप सबसे समझेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे, समीकरण बनाएंगे, 3 से 4 दिन में हम लोग समीकरण बना लेंगे कि क्या करना है। चुनाव लड़ना है तो 16 तारीख डेट क्लियर हो चुका है कि हम लोग नॉमिनेशन करवाएंगे 16 तारीख क्लियर, क्योंकि हमारा 11 तारीख से लगातार कार्यक्रम बना हुआ है, अब 15 तारीख तक हम कार्यक्रम कर रहे हैं और 16 तारीख से और 17 तारीख लास्ट सप्ताह है, तो 16 तारीख को हम चाहेंगे कि नॉमिनेशन करेंगे। लेकिन समीकरण क्या होगा, बहुत सारे लोग कैंडिडेट हमारे संपर्क में है, मजबूत लोग संपर्क में है, फिर अभी चुनाव में क्योंकि सीट निषाद समाज वहाँ पे जीते थे, अनिल सहनी जी जीते हुए थे और आप लोगों ने उनको जिताया भी था और इसी कारण वहाँ पे चुनाव हो रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऑर्डर भी निकाला है, 2-3 दिन में उसका भी परिणाम क्लियर हो जाएगा कि चुनाव होगा कि नहीं होगा। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट अगर रोक लगा दिए तो फिर अभी चुनाव में क्योंकि सीट निषाद समाज वहाँ पे जीते थे, अनिल सहनी जी जीते हुए थे और आप लोगों ने उनको जिताया भी था और इसी कारण वहाँ पे चुनाव हो रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऑर्डर भी निकाला है, 2-3 दिन में उसका भी परिणाम क्लियर हो जाएगा कि चुनाव होगा कि नहीं होगा। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट अगर रोक लगा दिए तो उस पर भी मंथन होगा कि शायद चुनाव ना भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि विधानसभा में सदस्यता समाप्त हो चुका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से पहले ही सदस्यता समाप्त हो चुका है, तो मुझे लगता है कि उनका पुनः बहाली नहीं हो, लेकिन हमको उम्मीद करना चाहिए कि बहाली हो जाए, हम क्यों उनको चाहेंगे पुनः हो। अगर वो विधायक बने रहे तो हमारे लिए नुकसान नहीं है, हमारे लिए फायदा ही है, और अगर चुनाव नहीं होता अगर कोई बात नहीं है, अगर चुनाव होते हैं तो हम लोगों को डिसीजन लेना है वहाँ पे चुनाव कैसे लड़ना है, किस तरीके से समीकरण बनाना है, कैसे करना है, तो ये सब चीज 3-4 रोज में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 11 तारीख तक हम लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए और 16 तारीख को अगर सब चीज रहा तो 16 तारीख को लड़ेंगे। हमें भी ये भी देखना है कि महागठबंधन किनको प्रत्याशी बनाएंगे, NDA किनको प्रत्याशी बनाएंगे, तो ये सब भी देखना है। दुश्मन कौन सा कार्ड खेलेंगे उस हिसाब से हमको भी कार्ड खेलना है, हम खुद लड़ेंगे या लड़ाएंगे किसी को कैसे होगा, ये सब चीजें हम लोगों को समय पे करना है। लेकिन कुल मिला के निषाद का पावर, निषाद का ताकत, निषाद का एकता में पार्टी जो भी निर्णय लेंगे पार्टी के हित में, पार्टी का भविष्य को देखते हुए हम अपने हित में नहीं रहते। अगर मुझे मेरे हित में अगर लेना हो तो लगता मैं ले लिया रहता और केंद्रीय मंत्री बन गया रहता, लेकिन मैं मेरे लिए हित में नहीं रह रहा। आप देख रहे हैं कि बिहार में मंत्री रहते हुए यूपी में जाके मोदी जी से हमने लड़ाई लड़ा, अपने पार्टी के लिए, अपने दल के लिए, अपने विचारधारा के लिए, क्योंकि हमारी लड़ाई है कि साथ आरक्षण मिले और यह आरक्षण मोदी जी को करना है और हमें आज विरोध भी करना तो उन्हीं को करना है, जिनके पास कुछ होगा उन्हीं से मांगेंगे और हम NDA में रहकर भी हम विरोध करते थे, ये हमारी पहचान है और ये मेरी ताकत है। और बिहार में किसी के रहने क्रम पे हम लोग मंत्री नहीं बने थे, अपने दम पर बने थे, हमारे दम पर हमारे सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने थे, हम समर्थन नहीं देते तो सरकार नहीं बनता। तो आपने साफ तौर पे सुना मुकेश सैनी का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर चुनाव प्रचार करने जाते और अगर राजद के लोगों ने पूर्व सांसद साहबुद्दीन के परिवार की पूछ करती तो जो नतीजे थे वो महागठबंधन के पक्ष में आते, तो कहीं ना कहीं आज मुकेश सैनी ने उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, धन्यवाद।